राजगढ़ जिले के खिलचीपुर को पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत राजगढ़ से आई डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले में पॉलीथीन के खिलाफ यहां पहली बड़ी कार्यवाही है जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की गई है। एसडीएम प्रकाश कस्बे के नेतृत्व में राजस्व और नगर परिषद अमले ने नगर के प्रमुख मार्गों, बस स्टैंड पर, किराना दुकान पर अंदर घुसकर चेकिंग की। इस दौरान 7 दुकानों पर पॉलीथीन पाई गई जिनको जब्त कर 13,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वहीं नगर के दोने पत्तल के थोक विक्रेता प्रियांशु ट्रेडर्स के शुभम गार्डन स्थित गोडाउन पर ताला खुलवाकर चेकिंग की गई तो यहां से भारी मात्रा में लगभग 15 क्विंटल पॉलीथीन पाई गई जिसको नगर परिषद के ट्रैक्टर में भरकर थाने भेजा गया। वहीं गोडाउन को सील कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने सीएमओ के शिवहरे को दुकान मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए। पॉलीथीन के खिलाफ जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही जहां इतनी भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की गई। हम आपको बता दें कि नगर में पॉलीथीन के कारण आए दिन गायों की मौतें हो रही थी जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अभियान भी चलाया गया, पॉलीथीन जब्त भी की गई, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतनी भारी मात्रा में पूरा गोडाउन भरा हुआ है। लगभग 10 से 15 क्विंटल से भी ज्यादा पॉलीथीन इन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर भर रखी है। पूरे मार्केट में यही लोग सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है जिसको हमने जब्त कर लिया है और उस पर आगे कार्रवाई की जाए। किसकी थी ये पॉलीथीन? ये कोई प्रियांशी ट्रेडर्स करके कोई दुकान वाला है उसकी। क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? FIR किया जाएगा इनके खिलाफ और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। पॉलीथीन पूरी जब्त हो चुकी है जी। ये जब्त पॉलीथीन का क्या होता है? जब तो पॉलीथीन नगर पालिका के पास जाएगी या अभी तो पुलिस कस्टडी में जाएगी, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंदौर जिले के